नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और हिंदी क्लासिक्स में मैं मंजीत ठाकुर आपको आज सुना रहा हूं हिंदी के महान आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। ये न सिर्फ एक प्रेम कहानी है बल्कि ये अपनी आंचलिक भाषा के लिए भी बहुत मशहूर कहानी है। तो सुनिए मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम। हीरामन गाड़ीबान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हांकता है हीरामन, बैलगाड़ी। सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का जमाना, हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को? एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबनी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्ता हो गया था। फारविसगंज पर हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते थे अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दारोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है, वो भी छटक भी पड़ जाए आंखों पर। रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज, अरे रुको साले, गोली मार देंगे। 200 गाड़ियां एक साथ कचकचा कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था ये 20 बिसावेगा। दारोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसते, मुनीम जी ये साला गाड़ीवान मुंह क्या देखता है रे, कम्बल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेच में खोंचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को साला। बहुत पुरानी अखज अदावत रही होगी दरोगा साहब से मुनीम जी के साथ, नहीं तो उतना रुपया वसूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन नहीं डोलता है क्या भला? 4000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोंचा मारा पुलिस ने, 5000। फिर खोंचा, उतर पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतार कर दारोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीबान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं है, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वो मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई, 1, 2, 3। दारोगा और मुनी में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में उसे दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो मामला गोल हो कि का? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1, 2, 3। 3-4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल ली, फिर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा, जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधे को बेलाग किया, दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1, 2, 3, 9, 2, 11। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेहाट।
फिर एक ले दो ले दुल की चाल दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। रासूंग तेंदी नला पार करते हुए भागे पूंछ उठाकर, पीछे पीछे हीरावन। रात भर भागते रहे थे तीनों जन। घर पहुंचकर दो दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं लादेंगे, चोर बाजारी का माल, तोबा तोबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सगड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी, दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फूदने बड़े जतन से गूंथे गए थे। दो कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे और दूसरी बांस। अपने हर भाड़ेदार से वो पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं, और बांस, बांस लादने के लिए 50 रुपए भी दे कोई, हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देख लें। बांस लदी हुई गाड़ी, गाड़ी से चार हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर चार हाथ पिछुआ, काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खरहिया, शहर वाली बात, इस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार और महाभकुआ नौकर लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। तब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे, तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी, बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरहिया शहर की लदनी भी छोड़ दी। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढूंढना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का, इस गाड़ी वानी करो मुफ्त। आधी दारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है, देवी मैया भला करें उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। एक दो गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर से डर से थिरकने लगे, बा रस्सी तुड़ाकर भाग गए। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैया, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा, यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी और पिंजड़े में बंद बाघ का कैडर। मोरंग की तराई में धाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूं। गाड़ीवानों के दल में तालियां पटपटा उठी थी एक साथ, सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने, हुमक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए एक एक करके। सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी, बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ी वानी की है हीरामन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी थी पीठ में, आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वो अंगोचे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपा नगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई, नगद 100 रुपए भाड़े के अलावा मुताद चाह बिस्कुट, रास्ते भर बंदर भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में, और इस बार ये जनानी सवारी। औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी मह मह महक रही है। कच्ची सड़क के छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी में एक हल्की सी की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला का समझता है बोरी की लदनी है क्या, आ मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन, फेनू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीरा बाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला, लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी की है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी, देखने की क्या बात। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था।
बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी सी काली साड़ी की याद आ गई। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके? एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटो तो इससे भी करने लगती है उसकी सवारी। उसकी सवारी औरत, अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज सुनने के बाद वो एक बार बार मुड़कर टप्पर में एक नजर डाल देता है, अंगूठे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुत अजगुत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं? हीरामन की सवारी ने करवट बदली, चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वो जीभ को तालू से सटाकर की आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? बहु फेनो गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे, मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े होकर इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूंगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीरा भाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीरा भाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली से हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वो क्या कहकर गप करे हीरा भाई से, तोहे कहे या आहां? उसकी भाषा में बड़ों को आहां यानी आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है, दिलखोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वो मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है। जय भगवती। हीरामन ने आंख की कनखियों से देखा उसकी सवारी मीता। हीराबाई की आंखें गुजर गुजर उसको हेर रही हैं। हीरामन के मन में कोई अजानी रागनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है? हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया में किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी, बचपन में ही गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी नहीं करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद
कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है श्रद्धा कानून? कोई लड़की वाला 2 ब्याहों को अपनी लड़की गरज पर नहीं पढ़ी दे सकता है। भाभी उसकी 3 सत्य करके बैठी हैं, सो बैठी हैं। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए, ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए, गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। हीराबाई ने हीरामन की जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही उसकी जो हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है, तो हंसते हंसते दोहरा हो गया, वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा, नाक की नक छवि के नग को देखकर सिहर उठा, लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वो बाई जी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वो देख चुका है। सर्कस कंपनी के मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाघ गाड़ी के पास आती थी, बाघ को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी। वो हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुहासा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया, बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरिया काट कर। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वो सतर्क हो गया, लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब नहीं दिया, वो मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी यानी नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की है, न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छत्तापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो, आप लेकर क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीरा भाई एक दिया सलाई के डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चित्ती कौड़ियों की माला खरीद दी थी हीरामन ने, छोटी छोटी नन्ही नन्ही कौड़ियों की पांत। तेगछिया के 3 पेड़ दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया, 2 बड़ा पेड़ जटामासी बड़ है, और एक उस फूल का क्या नाम है, आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही, खूब महकता है, 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते भी हैं लोग। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं, वहां कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने से पहले पूछा, बीड़ी पिए आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है नाम लगर ड्योढ़ी, जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दिया गोतिया है। जा रे जमाना, हीरामन ने जा रे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोस दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति, कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर वो साग्रह बोली, नाम लगर ड्योढ़ी का जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वो जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया बड़ी है बाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया था। अब कहिए भला, देवता आखिर देवता है कि नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भुवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपलैन में लाट साहब मैं लाटनी के हवागाड़ी से आए थे, लाट ने भी नहीं पहचाना, पहचाना लटनी ने। सूरजमुखी तेज देखती बोली, ए मैन राजा साहब, चुनो यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल करते समय खूब डैम लैट फैट किया। हीराबाई दिल खोल कर हंसी थी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है।
हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मीता? तब उसके बाद क्या हुआ मीता? इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या, महाराजा भी हो जाए रहेगा काला आदमी ही, साहेब के जैसे अकील कहां से पाएगा। हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा देवता, सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहां। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता जैसे धीरे धीरे खेल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग, धन दौलत माल मवेशी सब साफ, देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने उछल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। धन अपने साथ लिए जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देवी देव चले गए, शिव सरस्वती मैया रह गईं, उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनियों को देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती, अरजी करत बानी, हमरा पे हो खुशहाय। हे मैया हमरा पे हो खुशहाय। घोड़लद्दे बनिया से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिया ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27-28, ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है, रोहता कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छतापुर पचीरा का नाम लिया। सूरज दो बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, एक कोस जमीन जरा दम साध कर चलो, प्यास की बेला हो गई है ना। याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाले साहब में झगड़ा हो गया था? जोकर वह ठीक बंदर की तरह दांत की किटाकर की आने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे की छेद से देखा, हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया, बलवाही, छोकरा नचाने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोपू भोपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना, छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजनवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार, चिठिया हो तो सब कोई बाँचे, चिठिया हो तो सब कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहां चला गया वो जमाना, हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर मां सरस्वती सहाय है लगता है। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया, वो सिर नीचा करके हंसने लगा। आज
तिगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं हीरामन पर। तिगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं, हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है। यहां सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमरकर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी तो हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने से पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर में थसमसा कर थक गए? जा रे जवानी। इसके बाद इस कहानी में क्या हुआ वो आप अगले एपिसोड में सुनिए। ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है जिसका नाम है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो है मंजीत ठाकुर की।